ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि घर में अगर आप खाना बनाते हैं तो उसे कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, यानी कि किचन में भोजन बनाते समय ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में बनाएं और पानी किचन में कहाँ रखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बारे में अगर आप जान गए तो अगर जीवन में परेशानी आ रही है, घर में दरिद्रता है या फिर बीमारियों से परेशान रहते हैं घर के लोग, तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज की ये वीडियो बहुत खास है, थोड़ी लंबी है लेकिन खास है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी। भोजन बनाते समय मुख जो हमारा होना चाहिए वो पूर्व की ओर और रसोई घर में पानी जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इतना तो आपको हमने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन ये वीडियो खास है, अंत तक देखिएगा तो आपको फायदा होगा और पता चलेगा क्यों खास है। भोजन बनाने में हम अग्नि का उपयोग करते हैं और अग्नि का हमारे स्वास्थ्य, यश और संपन्नता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में अग्नि तत्व को ठीक से संचारित होने के लिए रसोई घर का अग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व के कोण में होना शास्त्र सम्मत माना जाता है, यानी कि शास्त्र के अनुसार सही माना जाता है। अब जानते हैं कि पानी, वास्तु और किचन में संबंध क्या है और किस प्रकार से इन नियमों का पालन करके आप लाभ उठा सकेंगे। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो पाए, यानी कि पूर्व दिशा में नहीं मुख हो रहा है या फिर जो भी नियम अभी हमने बताए वो नहीं हो पा रहा है, तो रसोई घर पूर्व में भी आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रसोई घर उत्तर पूर्व में भूल से भी मत बनाइएगा, क्योंकि इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, साथ ही साथ खान पान का खर्चा भी कई गुना बढ़ जाता है और अपव्यय की स्थिति बन सकती है, यानी कि जहां नहीं चाहिए वहां भी खर्च होने लगेगा। नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा, जी हाँ, नैऋत्य कोण बोलते हैं इसको। इस कोण में किचन या रसोई घर अच्छा नहीं होता है, इससे गृह कलह, परेशानी और दुर्घटना का भय बना रहता है। इसी प्रकार से वायव्य यानी कि उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है उसमें किचन या फिर रसोई घर सिर्फ खर्च बढ़ाने वाला माना जाता है और अग्नि दुर्घटना भी ये दे सकता है, यानी कि आग लगने की भी संभावना रहती है। यदि किसी जातक का किचन यानी कि आप में से किसी का भी किचन वायव्य कोण में हो और वहाँ घर की बहुएं कार्य कर रही हैं तो उनका मन रसोई में नहीं लगेगा और वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पाई जाएंगी। दो बना रही हैं तो आपस में लड़ेंगी भी, इसलिए यदि अग्नेय कोण में रसोई की व्यवस्था न हो सके तो पूर्व या फिर वायव्य कोण ठीक रहता है। लेकिन इस स्थिति में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि रसोई घर चाहे जहाँ भी हो, भोजन अग्नेय कोण में ही बने, इससे बिगड़े काम भी बन सकते हैं। ध्यान रखिए कि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमारा घर ऐसा नहीं है कि अग्नेय कोण के साइड हम रसोई बना सकें, लेकिन ये तो जरूर हमारे हाथ में है कि जहाँ भी कमरा बना हो रसोई का, यानी कि रसोई घर जहाँ भी हो, आप खाना बनाएं अग्नेय कोण में। रसोई घर की स्लैब जिस पर चूल्हा रखा जाता है वो पूर्व या फिर अग्नेय कोण में हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे में किचन में काम करने वाले का मुख जो होता है वो स्वतः ही पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। पानी की टोटियाँ, वॉश बेसिन, पीने का पानी, ये सभी रसोई घर के ईशान कोण में होना अच्छा होता है। इसके अलावा फर्श का ढलान उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए और यदि फ्रिज रसोई घर में रखना हो तो उसे पश्चिम की दीवार के साथ रखना ठीक रहेगा। बिजली के उपकरण जैसे कि मिक्सी, टोस्टर, ओवन, ये सभी अग्नेय कोण या फिर दक्षिण में रखने की सलाह हम आपको देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रसोई का सामान रखने के लिए स्लैब, आलमारी, ये सभी दक्षिण या फिर पश्चिम में बनाना ठीक रहेगा। दालें, अनाज और मसालों के रखने की व्यवस्था की बात करें तो वायव्य कोण में रखना अच्छा होता है। रसोई घर की खिड़कियां बड़ी हों तो उत्तम होता है, यानी कि अच्छा होता है। इसके अलावा रसोई घर में प्राकृतिक रोशनी और हवा की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। यदि किसी कारणवश प्राकृतिक रोशनी का अभाव हो तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था कीजिए जरूर सही से। रसोई में कार्य करते वक्त जो भी गृहिणी होती हैं उनकी पीठ रसोई के प्रवेश द्वार की ओर नहीं होना चाहिए, यानी कि दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए तो बेहतर होता है। गैस का चूल्हा ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर कार्य करने वाले को पर्याप्त स्थान मिले। रसोई यदि छोटी हो तो उसमें हल्के रंग का पेंट कीजिए, इसके लिए हल्का गुलाबी, नारंगी या हल्का पीला और सफ़ेद रंग अच्छा रहेगा।
चूल्हा और गैस स्टोव परिवार के धन और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए इसे हमेशा साफ रखने की आपको हम सलाह देंगे, नहीं तो आपकी समृद्धि यानी कि पैसे पर बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि आपके परिवार के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। गैस का चूल्हा या फिर स्टोव इत्यादि घर के मुख्य द्वार के बाहर से नहीं दिखना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है तो इसे छिपाने के लिए हल्का सा पर्दा लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। रसोई घर की किसी भी कीमत पर टॉयलेट के ऊपर या नीचे तथा सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रसोई घर बनवा रहे हो तो बहुत लोग करते हैं ऐसा कि टॉयलेट के सामने बन जाएगा कई बार, या फिर सीढ़ियों के नीचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे रसोई घर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं, साथ ही साथ धन और भाग्य को भी ये बर्बाद कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन का, और इसको तो सही दिशा और सही जगह होना चाहिए। रसोई घर में पानी और अग्नि को एक साथ रखना विरोधाभासी स्थितियों को जन्म देता है। पानी और आग एक दूसरे से उल्टा हैं, तो इसे एक साथ मत रखिए। इस स्थिति में घर की स्त्री जिसे रसोई में रहना होता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है और घर में दैनिक कलह की स्थिति बनती है, यानी कि रोज की लड़ाई होने लगती है। इसकी ठंडक का गैस चूल्हे के सामना हो जाए, या फिर कपड़े धोने की मशीन का चूल्हे से एक सीध में होना, या पानी की टंकी का गैस के चूल्हे के सामने होना, ये स्थिति सही नहीं होती है। इसका एकमात्र सरल उपाय जल या अग्नि में से किसी एक का स्थान बदलना ही है। यदि ऐसा करना संभव न हो सके तो कम से कम फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन को अलग अलग दिशा में रख दीजिएगा। अब जानते हैं पानी किचन में कहाँ रखना है। घर में पानी सही स्थान पर और सही दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए रसोई के उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में पानी का बर्तन भर करके रखिएगा। पानी का स्थान ईशान कोण है, इसलिए पानी का भंडारण या फिर भूमिगत टैंक या फिर बोरिंग पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में होना चाहिए। पानी को ऊपर की टंकी में भेजने वाला पंप भी इसी दिशा में हो तो अच्छा होता है। दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम कोण में कुआं या फिर ट्यूबवेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए उत्तर पूर्व कोण का स्थान उपयुक्त होता है, इससे वास्तु का संतुलन बना रहता है। अन्य दिशा में कुआं या फिर ट्यूबवेल हो तो उसे या तो बंद करवा दीजिए या उसका उपयोग मत कीजिए। रसोई घर में पानी जो पीने का होता है वो एक्वागार्ड या फिल्टर, ये सभी पूर्व या फिर पूर्व उत्तर के कोने में रखिएगा, अच्छा रहेगा। अग्नि या फिर आग और पानी एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसीलिए पानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखना उचित रहता है। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगी आप अपने किचन में तो घर में परेशानियां बहुत कम आएंगी। देखेंगे कि घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पैसा बचेगा और पैसे की कमाई भी अच्छी घर में आएगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ किचन को लेकर के मन में संदेह है तो आप लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।